गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे जो लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 जो किसी एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था, ठीक है, तो आज मैं उसी क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूँ। तो वो जो क्वेश्चन है वो अपने पास है, एक स्टेट हाईवे जो आपको दिया हुआ है वो टावर के फुट तक लीड कर रहा है, तो कुछ इस तरह से हम उसको डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो, ये अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो अपना 15 है, चैप्टर नंबर 9 से अप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री से था। चैप्टर 9 से क्वेश्चन नंबर 15, एक स्टेट हाईवे लीड कर रहा है अपने पास टावर के फुट तक। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, एक हाईवे रिप्रेजेंट कर दिया और ये एक टावर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद आगे हमें ये बताया गया है कि टावर के टॉप के ऊपर एक मैन है जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। टावर के टॉप के ऊपर हमने यहाँ पे एक मैन को रिप्रेजेंट कर दिया जो ऑब्जर्व कर रहा है। किस बात को ऑब्जर्व कर रहा है? एक कार को। तो एक कार अपने पास इस हाईवे के ऊपर हम यहाँ पे लेके चलते हैं सबसे पहले। अब इस कार को ऑब्जर्व किया है तो किस तरह से ऑब्जर्व किया, तो उसने ऑब्जर्व किया तो उस टाइम डिप्रेशन एंगल बना है, वो डिप्रेशन एंगल अपने पास 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम डिप्रेशन एंगल बनाने के लिए मैन का आई लेवल ये होता है डायरेक्ट अपना, क्योंकि हम सामने से देखेंगे तो अपना आई लेवल ये बनेगा, ओके। फिर इसने नीचे जैसे कार को देखा तो वो डिप्रेशन एंगल बना। अब डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री था तो यहाँ 30 दिखाने के बाद में हम डायग्राम में साथ में 30 डिग्री यहाँ पे भी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन अपने पास यहाँ पे पैरेलल की फॉर्म में रहेंगी और ये दोनों एंगल फिर अल्टरनेट एंगल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। फिर इसमें बताया गया कि कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है अपनी, तो कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो वो फिर उसी स्पीड से अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। लेकिन आफ्टर 6 सेकंड बाद उसने फिर कार को ऑब्जर्व किया, 6 सेकंड के बाद उसने कार को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो कार को ऑब्जर्व किया तो उस टाइम एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब 6 सेकंड में हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि कार यहाँ पे पहुँच जाती है अपने पास, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे आ जाती है 6 सेकंड में। तो इस पॉइंट पे आने के बाद में उस मैन ने फिर इसको ऑब्जर्व किया तो एंगल बना डिप्रेशन और वो एंगल दिया हुआ हमें 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो एंगल रिप्रेजेंट होगा वो 60 डिग्री, तो ये एंगल भी अपने पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री। फिर इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इस पॉइंट से लेकर के टावर के फुट तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमें इस टाइम को फाइंड आउट करना है। इस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास यहाँ पे इसको दो तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसको करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ नेम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस वाले पॉइंट को ए, इस वाले पॉइंट को बी, इस वाले पॉइंट को सी और इस वाले पॉइंट को डी। अब फर्स्ट जो नॉर्मल अपना मेथड होता है, ठीक है, उसी मेथड में देखिए एक बार। तो यहाँ पे अपने पास इसकी जो हाइट है ए बी को हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो ए बी की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं। तो ए बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे एच मीटर लिख लेते हैं हम, एच मीटर। फिर बी सी को भी हम लेट कर लेते हैं एक्स मीटर। इसी तरह से हम सी डी को भी लेट कर लेते हैं वाई मीटर। और ये तीनों कंडीशन हमने लेट की। अब लेट करने के बाद में यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के नेम रिप्रेजेंट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल को ज़्यादा यूज में करते हैं। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल के नेम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट में ए बी सी ट्राइंगल अपने रिप्रेजेंट किया, सेकेंड में हमने बस ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में एक ही डायग्राम में, ठीक है, डबल एंगल जब रिप्रेजेंट होते हैं तो 90% ये होता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चनों में दोनों ट्राइंगल के लिए टेन थीटा यूज में लेते हैं जो पी अपॉन बी। फिर फर्स्ट जो ट्राइंगल हमने लिया था ए बी सी जिसके अंदर एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है थीटा की जगह 60 डिग्री, बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे, अब देखिए 60 लिखने के बाद में बी और पी की वैल्यू रखनी है। तो पी की वैल्यू अपने पास होती है एच और बेस की वैल्यू जो बनती है वो एक्स। इसी तरह से इस ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 30 डिग्री, क्योंकि ए बी डी ट्राइंगल था तो थीटा हो गया 30। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू एच
और यहाँ पे अपने पास बेस की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये वैल्यू हमने y बताई थी, तो इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई, ठीक है, तो बेस में आ जाएगा अपने पास x प्लस वाई। अब देखिए tan 60 की वैल्यू टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो अंडरूट 3 होती है, और tan 30 की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन में देखिए अपने पास इसके नीचे अगर 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ कोई कंडीशन हमें मिलती है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रूट 3x और ये h इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कंडीशन मिलेगी जिसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ दो इक्वेशन आएंगी, दोनों इक्वेशन से बस ये है कि किसी एक की वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पुट करनी होगी। अब इन दोनों कंडीशन से आपको किसी भी एक को सेलेक्ट करना है और उससे वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें। अब देखो इसमें तीनों वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, एच भी दिख रहा है, इसमें दो हैं लेकिन इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि एच के इक्वल है इस साइड से अगर देखें तो एच के इक्वल है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, पुटिंग एच इक्वल क्या है रूट 3x इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये लिखते हैं हम एक्स प्लस वाई और h की जगह रख देते हैं रूट 3x, फिर इसके साथ में रूट 3 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3x बना। अब इस x का हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये यहाँ पे प्लस में तो इधर आके माइनस में, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये कंडीशन हमें फाइंड आउट होती है y इक्वल 2x। अब देखो हमें इसके लिए टाइम निकालना था तो यहाँ जो कंडीशन आई है उस कंडीशन में भी इसको x के इक्वल बनाएंगे, इसके लिए टाइम निकालना था तो इसको x के इक्वल बनाएंगे, तो यहाँ हम इसको x के इक्वल बनाते हैं तो 2 का ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये बन जाता है y अपॉन 2। तो हम कुछ इस तरह से भी लिख लेते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा हम यहाँ पर लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो बात है यहाँ पर बताएंगे x डिस्टेंस जो है आपकी इज हाफ ऑफ y डिस्टेंस, तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में बतानी होगी x डिस्टेंस क्या है आपकी, हाफ है किसकी, y डिस्टेंस की। अब आपको यहाँ पे y डिस्टेंस का टाइम हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें बताया था उन्होंने 6 सेकेंड, इस क्वेश्चन में हमें 6 सेकेंड बताया था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज को यूज लेकर के टाइम फोर, तो टाइम फॉर वाई डिस्टेंस इक्वल 6 सेकेंड, फिर यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम फॉर हाफ ऑफ वाई डिस्टेंस। अब शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं इसको x हाफ ऑफ वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस का जो हाफ है वो क्या है x, तो यहाँ शॉर्ट में ब्रैकेट में क्या लिख दिया x। अब इक्वल, तो आप यहाँ देखोगे कि y डिस्टेंस के लिए कितना बन रहा है 6 सेकेंड, तो y का हाफ क्या है, ठीक है, तो उसके हाफ डिस्टेंस के लिए कितना टाइम होगा 3 सेकेंड, तो यहाँ पे y का हाफ हो गया x, तो x के लिए टाइम क्या बन गया अपना 3 सेकेंड। तो ये तो था आपके पास नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट पैटर्न के द्वारा इसको सॉल्व किया फर्स्ट मैथड। तो अब इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी देखते हैं, तो देखिए डायग्राम तो आपका जो बना हुआ है वो इसके लिए, इस मेथड के लिए यहाँ है, लेकिन दूसरे मेथड के लिए, सेकंड मेथड के लिए यहाँ पे हम खुद एक अलग से एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह से एक डायग्राम आपका रिप्रेजेंट किया, ये 30 का एंगल था अपना, यहाँ पे भी 30 डिग्री, ये कम्प्लीटली 60 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री, ये आपके पास टावर और ये था आपके पास हाईवे, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। अब देखो इसको यहाँ पे हमने कुछ ये बातें लेट की थी इस क्वेश्चन में, तो इस बार हम क्या कार की स्पीड को लेट कर लेते हैं, तो कार की स्पीड को लेट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार एक्स मीटर पर सेकेंड। अब जो हमने स्पीड ली है वो मीटर पर सेकेंड में क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो टाइम दिया हो सेकेंड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो यहाँ इसको सेकेंड के अकॉर्डिंग लेट कर लिया स्पीड। अब सबसे पहले हमें टाइम दिया हुआ है तो यहाँ हम लिखते हैं टाइम फॉर कौन सी डिस्टेंस के लिए, डी सी,
डीसी डिस्टेंस के लिए हमें टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डीसी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डीसी डिस्टेंस इक्वल क्या, टाइम फॉर डीसी डिस्टेंस 6 सेकेंड। फिर यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं डीसी, ठीक है। तो यहाँ डीसी लिख देते हैं, डीसी इक्वल, तो फॉर्मूला बनता है अपने पास स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की वैल्यू यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीसी इक्वल लेकर के, तो स्पीड की वैल्यू अपने पास थी x और टाइम की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा 6x मीटर। फिर उसके बाद में बीसी का जो टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो वो हम लेट कर लेते हैं। तो टाइम फॉर बीसी लेट किया हमने कितना, टी सेकेंड, तो उस टाइम को हमने लेट कर लिया टी सेकेंड। अब टी सेकेंड क्या, तो बीसी डिस्टेंस भी लिख देते हैं। तो बीसी बनेगी स्पीड की वैल्यू अपने पास है एक्स और टाइम यहाँ पे कितना लिया हमने बीसी के लिए टी, तो ये बना टी एक्स। अब इन बातों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये टी एक्स और ये क्या है अपने पास 6x। फिर इसमें अपने पास इस टावर की हाइट, तो ये बात भी हम लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ टावर या फिर ए बी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, तो ये हमने ले ली वाई मीटर, कितनी वाई मीटर। अब अपने जो प्रोसेस है सेम उसी तरीके से है कि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल के नेम लिख लिए ए बी सी, इसके सामने हमने ले लिया ट्राइंगल ए बी डी, फिर दोनों में टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसमें भी टेन थीटा के लिए जो कंडीशन थी वो अप्लाई की। अब इसमें एंगल अपने पास 60 डिग्री, तो टेन 60 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। फिर P की वैल्यू Y और ये वैल्यू अपने पास अपॉन में हो जाएगी TX। इसी तरह से इस कंडीशन के लिए tan 30 डिग्री, P की वैल्यू Y और B की वैल्यू बनेगी इन दोनों का ऐड 6X और TX दोनों का प्लस 6X प्लस TX। अब देखिए tan 60 की वैल्यू रख देते हैं √3 Y अपॉन TX, tan 30 की वैल्यू रख देते हैं Y अपॉन 6X प्लस TX। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं, तो जैसे इसमें दो कंडीशन बनी थी उसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफ़र करके भी कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए अपॉन में 1। तो ये मैंने √3 के साथ टी एक्स और इक्वल 1 इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस टी एक्स और इक्वल में होगा वाई √3 इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ मैंने आपको बताया था किसी एक की वैल्यू अप्लाई करनी होती है, तो देखो इससे अपने पास वाई की वैल्यू दिख रही है वो यहाँ इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो ये कंडीशन बनती है 6x प्लस, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 6x प्लस tx। अब वाई की वैल्यू है मेरे पास √3 tx, फिर इसके आगे था √3, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 tx। अब tx का केस इधर ले आते हैं हम और ये होता है 6x, इन दोनों को अगर सोल्व करते हैं तो 2 tx, ये 6x। अब दोनों तरफ सेम कंडीशन है उसको कैंसिल, t को यहाँ छोड़ दिया, फिर उसके बाद में 2 का ट्रांसफ़र किया, तो t इक्वल अपने पास फाइंड आउट होता है 3। अब ये t आपके पास किस में था, क्योंकि हमने जब लेट किया था तो t के साथ यूनिट ली थी सेकेंड, तो यहाँ टाइम आ जाएगा आपके पास टाइम फॉर बीसी डिस्टेंस। तो बीसी डिस्टेंस के लिए टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। टाइम फॉर बीसी 3 सेकेंड आ जाता है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को हम, ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जा करके, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जा करके इस वीडियो के, ठीक है, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, फिर आपके लिए वापस से डाउट वीडियोज एक और अपलोड कर दिया जाएगा।